गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह सुबह किचन से और प्याज देते के टाइम पे ना मेरे हाथ पे छींटा आ गया था, तो इसलिए डर गए थे। सो अभी सुबह सुबह आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए, और कल रात को मैं खाना नहीं खाई थी डाइटिंग के चक्कर में। सो मेरी जो चावल था तो मेरी जो क्या बोलते हिस्से का था बच गया था, और थोड़ा सा ज़्यादा ही बन गया था। सो उसको थोड़ा सा सोच से काम पे लगाओ, और अभी प्याज और अंडा भुजी बना रही थी, इसके साथ ही बनाऊंगी कुछ चटपटा सा, और सुबह का नाश्ता उसी से हो जाएगा। आप लोग कौन कौन बनाते हो कमेंट्स पे जरूर बताइएगा। ये वाला बहुत ही ईजी है और बहुत ही जल्दी जल्दी बन जाते हैं ये वाला। सो इसमें एक मिर्ची भी डाली हूँ क्योंकि हर्षिता को नहीं दूंगी, क्योंकि बासी खाना है तो इसमें हर्षिता को नहीं दूंगी। सो हम मावा भी खाएंगे, और इसमें दूंगी जो बचा हुआ चावल है वो दे दूंगी। इसमें आप आपके मन पसंदीदा चीज़ें ऐड कर सकते हो, बहुत कुछ ऐड कर सकते हो, बट मैं ज़्यादा नहीं करूँगी सुबह सुबह। और स्प्रिंग अनियन ऐड करने से ना और भी ज़्यादा टेस्ट आता है इसमें, बट मेरे पास नहीं था सो मैंने यही ऐड किया है। सो अभी अच्छे से इसको मुझे मिक्स करना है, अंडे को और अंडे के मिक्सर और राइस को, और इसमें नमक और थोड़ा सा हल्दी दिया है ज़्यादा, और दूसरा कोई मसाला नहीं, ऑनियन मिर्च एक और हल्दी और थोड़ा सा टेस्ट अनुसार नमक। सो मैं इसको मिक्स कर रही थी, और करने के बाद अच्छे से अभी इसको लास्ट में दूंगी धनिया पत्ता, कोरिएंडर लीव्स, किसको किसको पसंद है धनिया, ये ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो। इसमें लेमन दे सकते हो आप, ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो। मैंने लेमन नहीं दिया सुबह क्योंकि काटना पड़ेगा, आलस आ गया था। सो ये बहुत ही जल्दी इजी और चटपटा हो गया, और मेरा बचे हुए खाने का कुछ तो यूज़ भी हो गया, दोपहर में खाएंगे तो फेंकना पड़ेगा मुझे। और चलिए बन गया मेरा नाश्ता, और आज की टिफ़िन में है हर्षिता का बनाना और थोड़ा सा ग्रेप्स, क्योंकि अब आते आते डेढ़ दो बज चुके हैं। फास्ट रखी हूँ आज, ज़्यादा नहीं हो पा रहा था क्योंकि कुछ दिन क्या था, रात को खाना नहीं खा रही थी, और दिन में थोड़ा सा सस खा रही थी, सलाद लिया था, और सुबह ब्रेकफास्ट तो करते थे, और इवनिंग को चाय के साथ थोड़ा सा क्योंकि बना सरदर्द करेगी निमकी खाए थे दो तीन, सो इससे ज़्यादा नहीं खा रही थी। तो इसी वजह से ना थोड़ा सा पता नहीं क्या हुआ, अंदर से ना बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रहा है, और आज तो सुबह से बहुत ही ज़्यादा चक्कर आ रहा है, पता नहीं कैसे कैसे घर का काम किया और सीता को भेज दिया स्कूल। अभी सोच रही थी थोड़ा सा नाश्ता करके थोड़ा सा रेस्ट कर ली, तो लेकिन साइड में हो रहा है ड्रिल, काम कर रहा है साइड वाले घर में, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है। एक तो ये जर्नी डाइटिंग का जो जर्नी होता है, वेट लॉस का जो जर्नी होता है, वेट लॉस नहीं चाहिए मुझे, जस्ट मेरा जस्ट जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स जो बढ़ ना जाए, उस वजह से मुझे डर है। मुझे वेट से कोई लेना देना नहीं है, मैं पहले भी अगर मेरा बढ़ा हुआ वेट भी मुझे अच्छा लगता है, हटा हुआ वेट भी ठीक है, लेकिन होता है ना वो वीकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अचानक से, ये सब मुश्किल है। जिनका मतलब ये सब चक्कर नहीं होता है वो बहुत ही अच्छे होता है। अभी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, जीरो है, और आज बार बार चक्कर आ रहा है। मैं सोच रही थी ना थोड़ा सा नाश्ता करके अभी थोड़ा सा जस्ट रेस्ट लूँगी, एक दो घंटा सो जाऊँगी, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब सर दर्द हो रहा है और चक्कर आ रहा है, मुझे बता भी नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा अंदर से वीकनेस हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि घर का काम करने में आज मेरा मतलब ताकत है थोड़ा सा अभी, बट करना तो है। चलो देखते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करके सारा काम वाम करती हूँ, देखती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर बाद। सो क्या करें, रेस्ट लेने के बारे में सोचा था, फिर सोचा नहीं पहले काम कर लेती हूँ उसके बाद रेस्ट लूँगी इवनिंग को, मतलब हर्षिता आएंगे तो उसको खाना वाना खिला के एक साथ ही माँ बेटी रेस्ट करेंगे। अभी जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा वरना लेट हो जाऊँगी मैं हर दिन की तरह। सो पहले कपड़ा धो लिया है, और अभी देख सकते हो इतना ज़्यादा हवा है, कपड़ा जल्दी तो सूख जाता है लेकिन वो होता है ना इकट्ठा हो जाता है, बहुत ही मतलब अजीब लगता है, कपड़ा बार बार चेक करना पड़ता है, इकट्ठा होकर रहता है सारा का सारा कपड़ा। क्लिप तो देते हैं बट इतना ज़्यादा हवा चलता है ना, इससे कपड़ा सूखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होते हैं। और आज के मतलब कपड़ा सुखाने के बाद सोचा था थोड़ा सा किचन का वर्क कर लेती हूँ, तो सुबह तो वो राइस खा लिया था थोड़ा सा, तो
अभी मैं अपने लिए भिंडी बनाई थी और एक केक बनाई, जल्दी हो गया था। 20 मिनट या 25 मिनट में ये बन गया था, इतनी जल्दी बन गया मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। अभी क्या है, हस्बैंड को आते आते इवनिंग को भूख लग जाता है, काम वाम करता है सुबह से, वही ड्यूटी में खाना ऐसा ही होता है जल्दी जल्दी, और इतना भीड़ रहता है कैश काउंटर में, वही होता है। आते ही बहुत ज़्यादा भूख लगता है, तो भूख 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 ऐसे करते रहते हैं। तो सोचा कुछ खाने पे होता है ना, नाश्ते पे, मतलब इवनिंग टी के साथ तो अच्छा होता है, थोड़ा सा खाना खाने में थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो इसी चक्कर में थोड़ा सा सोचा कि मेहनत कर लेती हूँ, जल्दी जल्दी काम हो गया, रेस्ट नहीं किया, बाद में खाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी। अभी काम वाम हो गया है और मैं जा रही हूँ स्कूल, हर्षिता को लाने के लिए जाना पड़ेगा रेडी। यही सबसे बड़ी दिक्कत है, काम वाम करने के बाद फिर से रेडी हो जाओ, फिर जाना है। और मैं जो ड्रेस पहनी हूँ ना, ये हर्षिता के होने की पहले की ड्रेस है, मतलब मेरी प्रेगनेंसी के पहले की ड्रेस है। अभी मुझे फिट तो आते हैं लेकिन थोड़ा अनकम्फर्टेबल होती हूँ, मुझे इतना मतलब फिटिंग ड्रेस पहनना मुझे पसंद नहीं है। मैं ज़्यादातर ढीला अपने साइज से एक साइज एक्स्ट्रा मतलब बड़ा वाला साइज लाती हूँ, जिसके वजह से मुझे अच्छा कंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि अभी मुझे ढीला ड्रेस ही अच्छा लगता है। मैं हो गई हूँ रेडी, और मुझे ना इस ड्रेस का सबसे अच्छी बात लगता है इस ड्रेस का कलर, जो इसका जो कलर है ना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। चलो जाते हैं हर्षिता को लाने के लिए, और आज आते ही मतलब टमटम मिल गया था मुझे, इजीली मिल गया था। डेली क्या डेली क्या, मुझे तो एक दिन हर रोज़ ही टमटम के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, बट आज थोड़ा सा कम स्ट्रगल करना पड़ रहा है, क्या करें। और अभी हर्षिता को हमने पिक कर लिया है, और आप लोगों को एक बात बताना भूल गई थी कि हम लोग जिस टमटम में आ गए थे, टमटम में ना एक बेबी भी आया था स्कूल से, बेचारा सो गया था, बहुत ही छोटा इस लग रहा था। थोड़ा सा पेरेंट्स को सोचना चाहिए, मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, सबका अपना अपना चॉइस होता है। छूट करने का थक गए हम माँ बेटिया, अभी सुलाना है, नहलाना है, सब कुछ कराना है, पानी पिलाना है, उसके बाद सुलाना है, हम दोनों ही थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। दिन में मैं भी रेस्ट नहीं कर पाई थी, सोचे थे रेस्ट करूँगी बट नहीं कर पाए थे, और अभी खिलाती हूँ इसको, खिलाने में मेरा बैंड बजने वाले हैं। सो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बोलो क्या है ये? लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबको बोलो, सबको हर्षिता की तरफ से दिए भी हर्षिता के तरफ से बहुत सारा प्यार भेजेगा। उम्मा मम्मी को दो उम्मा। गुड गर्ल। चलो बाय, मिलते हैं और एक ब्लॉग में। थैंक यू। इसका यही है, इसका जो वर्ड्स है ना अच्छी तरीके से ये बोल नहीं पा रहा है, बहुत ही मतलब इसमें मेहनत करना पड़ेगा, अभी भी नहीं हो रहा है।